हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, एक नए वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं आज, जिसमें मैं जा रहा हूं बिलासपुर। और इससे पहले का मैं बनाना भूल गया हुआ हूं, तो ज़्यादा बना नहीं पाया। और यहां पे कुछ ये चीज़ें आ रही हैं भाई, इसको इग्नोर कर देना। तो अभी मैं जो हूँ, मैं जा रहा हूँ बिलासपुर। और अभी जो अपना जहाँ से हम मनाली वाला फ्लाईओवर लेते हैं ना, तो वहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ अभी। और यहाँ से निकलते हैं, टूल प्लाजा यहाँ पे आया है। और यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ भाई। टीम जा रहा हूँ वहाँ पे, दोस्त वगैरह हैं तो उनसे मिलूँगा वहाँ पे जाके। और वहाँ का मैं एक सोच रहा हूँ कि व्लॉग भी बना लूँगा कि एम्स बिलासपुर अभी हाल ही में खुला है हॉस्पिटल, और कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है, तो वहाँ पे जा करके पता लगेगा भाई कैसा क्या सब चल रहा है। ठीक है, तो ये गाइस वहाँ पे देखेंगे हम, और होपफुली सब सही रहे, अच्छा व्लॉग बन जाए आज का। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप जो रोड है और सुबह का जो नज़ारा है वो कैसा है। मतलब अब पहाड़ की जो आउटलाइन है वो दिखने लग गई, इसका मतलब सुबह जो है वो होने लग चुकी है। तो यहाँ से जाना, अब इस रोड पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, मतलब सेकेंड टाइम है, बट मेरे को पहले वाला भी एक्सपीरियंस याद नहीं है कुछ खास कि मैं इसी रोड से आया था कि कहाँ से आया था। तो यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ये, पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो मैंने इसलिए प्रेफर किया कि मॉर्निंग टाइम में निकल जाऊँ। दिन में ट्रैफिक भी लगा रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए ना। तो अभी जो है ट्रक्स वगैरह मिल रहे हैं, अभी तो गिनती के ट्रक ही मिल रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं मिल रहे। और दिन में तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, इससे बढ़िया मैंने डिसाइड किया मैं कहा मैं सुबह ही चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अभी मैं निकल आया हूँ, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। ये देखो यहाँ पे ट्रक ही ट्रक चलते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे ये भी ट्रक चला हुआ है। हेलो गाइस, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है मेरा चलते चलते, और काफ़ी तो क्या एक घंटा ही हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक पुल आता है बीच में, गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो पुल है यहाँ पे बीच में आ रहा है। और भाई इस रोड के ऊपर ट्रक ही ट्रक होते हैं भाई, एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस रोड की। और वो देखो ट्रक, मतलब सामने से भी आ रहा होगा तो वो ट्रक, आपको इधर भी देखो खड़े हैं ट्रक, मतलब इतने ज़्यादा ट्रक हैं कि क्या ही बताएं। वो देखो सामने से ट्रक आ रहा, मतलब जैसे गाड़ियाँ चलती हैं ना नॉर्मल रोड के ऊपर, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं या बसेस दिखती हैं आपको, यहाँ ट्रक ही दिखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। बट ये चलो रोड सही है, रोड में थोड़े मते गड्ढे तो हैं बीच बीच में, बट तकरीबन अभी तक तो मुझे सही लगी रोड। और बाकी आशा करते हैं कि आगे भी रोड सही रहेगा और आगे का सफ़र भी अच्छा रहेगा। तो फिर चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। और इतनी जगह का नाम तो क्या है ये नहीं पता, बट यार यहाँ पे हरियाली वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, सूखे सूखे पहाड़ है एकदम, बिल्कुल सूखी सूखी सी जगह है। अगर आपको बताएं जैसे कि शिमला वगैरह में अगर जाओ तो वहाँ पे आपको पहाड़ वगैरह मिल जाते हैं, ग्रीनरी एक देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम सूखा मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। वो देखो जो मैं आपको कह रहा था ट्रक, ये देखो ट्रक, वो देखो ट्रक, वो देखो ट्रक, मतलब जहाँ आपको जितनी नज़र जा रही है आपको ट्रक दिखेंगे, गाड़ी बहुत रेयर दिखेगी आपको बीच में। इधर देखो ट्रक, तो ये भाई यहाँ की बिलासपुर की बहुत बड़ी एक चीज़ है। हो सके तो इन ट्रक से आगे निकल जाता हूँ भाई, नहीं तो आगे फिर दिक्कत बढ़ जाती है। काफी बस यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज अच्छी नहीं लगती, जो सूखा सूखा सा माहौल लगता है ना, मे भी शायद यहाँ पे बारिश वारिश थोड़ी सी कम होती हुई, कुछ तो इशू है यहाँ पे। सो फाइनली गाइस, जो एम्स बिलासपुर है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और इस टाइम पे भाई इतनी सुस्ती आ रही है कि मतलब इतना बड़ा, इतने फैला हुआ है, मतलब रोड ही रोड है यहाँ पे चलने के लिए। यहाँ पे एक वीडियो बनाना एक खुद में एक बहुत बड़ी टास्क है, तो अभी देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज अभी यहाँ पे जो है अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे जो वेदर है ना एकदम से बिल्कुल क्या बोलें उसको, फॉगी फॉगी सा टाइप का कुछ वेदर है, अजीब सा। तो देखोगे आप ऐसी धूप भी बड़ी बीमार टाइप की जैसे लगी हुई है। बाकी जो कैंपस है इनका, जो अंदर इन्होंने बनाया हुआ है हॉस्पिटल का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ रियली गुड, काफ़ी बड़ा है। और नाइट है, मैंने इसकी एक क्लिप देखी रही ऑनलाइन, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। डे में तो अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो थोड़ा मिक्स मिक्स टाइप का फील देता है, बट नाइट में आपको वही एरिया दिखता है जो बन चुका है, तो वो ज़्यादा अच्छी फील देता है। और रोड जो है अंदर काफ़ी कनेक्टिविटी जो अच्छी है, सिक्योरिटी है, और कैंपस जो डिज़ाइन है इनका वो काफ़ी अच्छा है।
तो गाइज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप, वो देखो एक बिल्डिंग ऊपर है, तो यहाँ पे देखो ये डिज़ाइन है और इस तरह का जो डिज़ाइन है इनका वो चला हुआ है, ऑनलाइन आपने चेक ही किया होगा। यहाँ पे जो है पार्किंग है, पार्किंग मैंने जो गाड़ी अभी लगा रखी है, और यहाँ से भाई इस रोड से ना ऊपर को ट्रैवल करना पड़ेगा, पूरा जा करके ऊपर चलते चलते जो है वो वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा उसके बाद में जाऊँगा। और सामने देखो भाई पहाड़, मतलब कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, मज़ा ही आ जाता है देखने में। और ये देखो फॉगी टाइप का जो वेदर दिख रहा है आपको, इस तरह का वेदर है, पता नहीं क्या चक्कर है। वो देखो धूप भी कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, वो डॉट सा दिख रहा है सूरज भी। और ये वाला जो है वो पार्किंग एरिया है यहाँ का, तो पार्किंग जो अभी बन रही है पूरी तरह से जो है वो बनी नहीं है, तो अभी देखते हैं जब तक अगले बार आएंगे तब तक तो शायद बनी होगी पार्किंग भी यहाँ पे। तो भाई ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का अभी तक का। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मैं अब बाहर की तरफ पहुँच चुका हूँ, और ये रही एम्स की बिल्डिंग एक तरफ की, और भाई ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है गार्ड भैया खड़े हैं अपने। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप जो सामने है एक गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, ये जो यहाँ से आ रही है, तो ये हर मतलब हर दो मिनट में मेरे को लगता है यहाँ से चलती है। आप अगर पार्किंग वगैरह पे आते हो तो वहाँ पे आपको जो है ये यहाँ से ले सकते हो ऊपर जाने के लिए, और कहीं भी किसी ब्लॉक में अगर ट्रैवल करना है तो वो आप कर सकते हो। तो यहीं इसी के साथ जो है इधर को हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आगे, यहाँ पे जो ये पार्किंग है, ये वाला भी जो पार्किंग का पूरा एरिया है, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाली साइड, तो ये भी जल्दी ही बन जाएगा, तो एक काफ़ी यहाँ पे भी जगह खुल जाएगी और काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। इसकी बैक साइड पे वो आगे तक जो है मुझे दिख रहा है, वहाँ पे काफ़ी हॉस्टल्स वगैरह पीछे को बने हुए हैं। भाई अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, और थोड़ी थोड़ी देर से भाई निकलते हैं ऊपर की तरफ को। ये देख सकते हैं इसमें यहाँ से बैठ करके पार्किंग पे अगर गाड़ी लगाते हो, यहाँ से बैठ करके ऊपर की तरफ को जा सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है गाड़ी लगा ली हुई है, और ख़ुद जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैठ चुका हूँ, और गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से भाई ऊपर की तरफ मैंने जाना डिसाइड किया है। और थोड़ी देर में पहले तो मैं अकेला था, लेकिन यहाँ पे दो तीन आ गए तो भैया जो है यहाँ से चलने लग गए ऊपर की तरफ को, क्योंकि एक को लेके नहीं जाते, जब थोड़े तीन चार हो जाते हैं तो फिर यहाँ से चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो भाई, क्या मस्त व्यू आता है। और ये जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये भी काफ़ी जो है लंबी है, इसमें काफ़ी जो है पैसेंजर आ जाते हैं, मुझे लगता है दो दो चार दो छः आठ आठ बंदे इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं खुले, मतलब एक सीट पर दो दो करके, वैसे तो तीन तीन एडजस्ट होकर के जा सकते हैं इसके ऊपर, बट दो दो काफ़ी है, तो आठ एक बार में ऊपर चले जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे व्यू पार्किंग का, और इधर को अगर हम देखें तो इधर ये जो है ये वाला एरिया तो नहीं है, इसका पता नहीं बन रहा है कि क्या है। यहाँ ऊपर पहाड़ वगैरह देखोगे मस्त हैं, और ये देखो एम्स की जो बिल्डिंग्स है भाई, जो अंदर ब्लॉक बने हुए वो बिल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के यार, मतलब खुला डुल्ला अच्छी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस बड़ी अच्छी, क्लीन क्लीन सा एरिया है सारा, तो मज़ा आ जाता भाई। यहाँ भी पार्किंग है, बड़े साइज स्टाफ पार्किंग होगी अंदर को, और हमें पता नहीं था भाई यहाँ पे लगा लेते पहले, नहीं तो मैं अकेले आया तो अकेले पता नहीं चला भाई, नीचे गाड़ी लेके चला गया मैं। अब तो यहाँ से भाई ऊपर की तरफ आना पड़ रहा है, और इस तरफ में अगर देखोगे आप तो यहाँ भी देख सकते हो भाई जो काफ़ी ज़्यादा ओपन ओपन सा है मज़ेदार, और इधर को भी दूसरे ब्लॉक का रास्ता है, पार्किंग है यहाँ पर भी। और ये जो है ये अभी जो आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ पे है, ये है भाई जो ओपीडी है, वो मेन ओपीडी जो है यहाँ पे वो ये वाली है। यहाँ पे देखो लोग वगैरह सारे आपको दिख रहे होंगे, अभी ओपीडी का यहाँ पे टाइम है, और सब यहाँ पे जो है पर्ची वर्ची जो बनती है वो भाई यहाँ पे बनती है नीचे की तरफ में, काउंटर्स वगैरह अंदर लगे हुए हैं वहाँ पर बना सकते हो। यहाँ तक ये आती है गाड़ी, तो यहाँ से आपको उतरना पड़ता है भाई, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसी में बैठूंगा भाई, बिकॉज़ मुझे तो कहीं जाना नहीं है, नीचे भी जाऊंगा तो नीचे भी सही है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो क्लिप है वो इसके थ्रू बन गई, यहाँ पे वीडियो बनाने को वैसे मना कर दिया था, लेकिन अगर कोई भाई एम्स की तरफ से अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ एक बार मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरी आईडी चैनल के ऊपर है। अगर आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इस वजह से कि भाई आप वीडियो को जो है यहाँ पर नहीं शो करवाना चाहते हो, मैं रिमूव कर दूँगा, तो वो भी वेलकम है भाई। और अगर कोई चीज़ है सिक्योरिटी कोई पर्पस है उस चीज़ को भाई ध्यान में रखते हुए,
मैं वीडियोज़ को जो है रिमूव कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ में देखोगे तो आप एकेडमिक ब्लॉक है, और इधर को देखो ये सामने जो है ओपीडी है, इस तरफ से आए हैं और इस तरफ में जो है एकेडमिक ब्लॉक है ये वाला, तो यहाँ पे क्लासेस वगैरह लगती हैं। और उसके बाद ये सामने गेट दिख रहा है, लेफ़्ट वाली तरफ में अगर देखोगे तो ये वाला जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, और इमरजेंसी के डिपार्टमेंट के साथ ही जो बीच में है वो है डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, बट मुझे जहाँ तक आइडिया लगा भाई वो एक्सरे या सी टी स्कैन ये सब वगैरह यहाँ पर होता होगा। और उसके बाद अगर हम इस तरफ में देखें तो ये सामने गेट है, यहाँ से आपको अंदर आना होता है, यहाँ से इधर से आप सीधा इस रोड को पकड़ते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ को आते हो, इधर ओपीडी की तरफ, ओपीडी के जिसमें अगर अंदर जाना है तो आप अंदर जाओ, जिसको उतारना यहाँ पे अंदर को जाओ, नहीं तो लेफ़्ट वाली तरफ से आप पार्किंग वाली साइड पे जा सकते हो। तो भाई ये कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है एम्स का, और बाकी कुछ एक जो चीज़ें बन रही हैं इधर उधर वो तो अभी नहीं बता सकते बिकॉज उसमें कुछ है नहीं इतना, बट जो वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे सारा मोस्टली कैप्चर कर दिया हुआ है। और काफ़ी अच्छा व्यू है, देखो यहाँ पे एक वो बनी क्यारी बोलते हैं शायद इसको, वो बनी हुई है, और बीच में यहाँ पे एक पानी का वो रखा हुआ है, मैं आपको बताऊँगा अभी, थोड़ा सा आगे की तरफ को है वहाँ पर पानी रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा वो भी लगता है। और पहाड़ देखो यहाँ पर क्या मस्त है, अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं भाई, सर्कुलर एक तरह से बेल्ट से लगे, मतलब ऐसे सिक्योरिटी गार्ड दे दिए गए हैं वो एम्स के लिए, वैसा लग रहा है। तो यहाँ पे भाई मैं अंदर की तरफ को आया हूँ, और यहाँ देखो ओपीडी के सामने जो है पेशेंट जो आते हैं, मतलब बढ़िया लगता है भाई अंदर जाके, मन लग जाता है, ये बैठने वाला एरिया है यहाँ पर। और इस तरफ को काउंटर्स वगैरह लगे हैं, यहाँ आप अपनी पर्ची रिसिप्ट वगैरह जो भी बनाना है वो बना लो। तो वैसे अभी जा रहा हूँ मैं ओपीडी से पार्किंग की तरफ को पैदल, और बीच में देखते हैं कंटेंट मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। एक और ये है ओपीडी आईपीडी, ये रोड है भाई, अगर पैदल चलना है नीचे पार्किंग तक तो आप जा सकते हो। ये रहा व्यू, धूप वगैरह निकल चुकी है अच्छी, सुबह तो जो थी बीमार वाली थी, अब नहीं लग रही बीमार वाली भाई, अब सही लग रही है। इधर भी पार्किंग वगैरह तो है, पता नहीं नीचे क्यों भेज दिया मुझे। चलते हैं भाई नीचे, फिर नीचे देखते हैं। और भाई इधर को भी देख सकते हो, इधर नीचे भी बन रहा है भाई, मतलब एक्सट्रीमली, वो देखो नीचे कहाँ तक फैला हुआ है, सच में मतलब बढ़िया है भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन कैंपस, ये सब चीज़ें तो भाई बहुत अच्छी है यहाँ पे। वो देखो वो नीचे नीचे तक गया हुआ है, वो निचली तरफ, उधर सारा ये भी है, ये तो बन रहा है अभी, इधर सारा बन रहा है, ये देखो कैंपस ऊपर को, बढ़िया चीज़ है भाई, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले, तो धीरे चल रहे, नो हॉर्न वो भी नहीं भाई हमारे पास, मुंह से बताएंगे। ये रहा भाई आईपीडी हॉस्पिटल ब्लॉक ए, ये वाला